का सैल्यूट सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स को, और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। जो बातें राइडर्स के दिमाग में आती जा रही हैं वो मुझसे वो पूछते जा रहे हैं। तो अभी जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो सवाल ये है कि एज लिमिट क्या होगी। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ के लिए, बच्चों के लिए भी पूछ रहे हैं कि वो अपने बच्चों के साथ में वहाँ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी एज 50 है, हमारी एज 60 है, हमारी एज 45 है, तो वो लोग भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बोला है और अभी भी बोल देता हूँ कि एज सिर्फ एक नंबर है अगर आप ऊपर वाले नंबर की बात करेंगे। और अगर आप बच्चों की बात करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लद्दाख में बच्चे रहते हैं, लेकिन जो सोचने और समझने वाली बात है वो ये है कि ये एक एडवेंचर राइड है। एडवेंचर राइड का मतलब होता है कि आपको अंदर से थ्रिल करता है, अंदर से अंदर जो आपको फीलिंग आती है ना, लद्दाख वाली फीलिंग, बड़े बड़े माउंटेन्स, फिर जो वाटर हर्डल्स होती हैं, वाटर क्रॉसिंग्स होती हैं, पहाड़ों में, पानियों में, कहीं से भी अपनी गाड़ी को, बाइक्स को निकालना, इसमें कुछ एक ऐसा होता है जिसमें इसको हम एडवेंचर बोलते हैं और इसको बोलते हैं ट्रूली एडवेंचर राइड। तो अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ में आना चाहते हैं, अगर आप 12 साल से कम के बच्चों के साथ में आना चाहते हैं, तो मुश्किल होगा। मेरे साथ, मेरे वाले राइड के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीज़न सिर्फ इतना सा है कि ये एडवेंचर राइड है। और अगर आप 12 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे लाना चाहते हैं, 12 या 12 से ऊपर के बच्चे लाना चाहते हैं, तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि जो मेरे साथ में SUV व्हीकल्स रहती हैं, जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स चलते हैं, जिनमें से एक आध गाड़ी मैं खुद भी चलाता हूँ कई बार, तो उस तरीके की जो गाड़ियाँ हमारे पास में होती हैं, आप बच्चों को SUV सीट लीजिए, जो भी मेरे पास पैकेजेस हैं। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं, मतलब 12 साल या 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप उनको अपनी बाइक पे ना बिठाएं, क्योंकि होता यह है कि जब हम खुद बाइक चला रहे होते हैं तो हमारा जो पूरा ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो रोड पर होना चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई प्लेन में बच्चा बैठा है, या आगे कोई बच्चा, आगे तो बैठा ही नहीं सकते आप, तो अगर पीछे कोई बच्चा बैठा है तो हमारा आधा ध्यान उसमें भी जाएगा, क्योंकि बच्चा तो हमारा ही है ना, और हम ये भी चाहेंगे कि वो कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि वो थोड़ी देर कंफर्टेबल हो सकता है, पूरे रास्ते नहीं हो सकता। तो अगर आप SUV सीट लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा रास्ता, थोड़े थोड़े पैचेस, जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे स्मूथ पैच है, आप आराम से अपने बच्चे को बाइक पे पीछे बिठा के उसको घुमा सकते हैं, तो वहाँ पे आप उसको बिठाइए, नो इश्यूज, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन पूरे राइड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको बच्चों को SUV व्हीकल के अंदर आप बिठा सकते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। एक जो चीज़ आपके लिए भी ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, एक बहुत बड़ा हवा सा है कि लद्दाख में, हवा नहीं, प्रैक्टिकल बात है कि लद्दाख में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बहुत कई जगहों पे, जैसे ये वाली जगह, तो यह बहुत कम होता है, तो लोगों को बीमारी होती है, मतलब लोग इल फील करते हैं, बीमार फील करते हैं, कमजोरी फील करते हैं, चक्कर आ जाना, ये सब वो सब फील करते हैं। लेकिन इसका जो बहुत सरल उपाय है, आप जहाँ पे भी अभी रह रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग शुरू कर दीजिए, थोड़ा तेज़ चलना शुरू कर दीजिए। मतलब एक होता है हम नॉर्मल चाल चलते हैं, एक होता है थोड़ा तेज़ चलते हैं। तो थोड़ा जब आप तेज़ चलेंगे, आपकी हार्ट की पंपिंग अच्छी होगी, और अगर आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल हो गई, आपकी सांस कंट्रोल हो गई, तो आपको लद्दाख इन्जॉय करने में बहुत मज़ा आएगा, लद्दाख में आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। तो रही बात बच्चों की, अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो SUV के अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी बोल देता हूँ कि अब सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो जो डिस्काउंट वाला जो ऑफर था वो बहुत जल्दी, 4-5 सीट्स बची हैं डिस्काउंट वाले ऑफर के लिए जो मैं रखता हूँ, तो डिस्काउंट वाला जो स्लॉट रहेगा दोस्तों, आई एम सो सॉरी, आज शाम तक या कल तक वो बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में जो नॉर्मल बुकिंग चाहिए वो ओपन है, तो आप नॉर्मल बुकिंग साहब जब भी चाहें आप करा सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आप बच्चों के साथ में आना चाहते हैं, तो मैं फिर बोलूँगा कि बच्चों को आप स्मूथ पैच पर तो पीछे बैठा सकते हैं, बाकी मैं आप एज अ प्लेयर उनको बिठा के घुमाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। दूसरी बात रही जो एज में बड़े हैं, मैं खुद भी बहुत बड़ा हूँ एज में, आई एम नाउ, अभी मैं 42, मतलब 41 मेरा रनिंग है, तो आप 42 बोल सकते हैं, 41 इज़ रनिंग माय। तो दोस्तों, मैं अगर 41 साल का हो गया हूँ या 42 साल का हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी जो फिटनेस होती है, ओवरऑल आपकी जो फिटनेस होती है वो यहाँ पर होती है। तो अगर आपका दिमाग जो है वो आपको मानता है कि आप यंग हो, दूसरा आपका जो हार्ट है वो भी यंग होना चाहिए। तो एज सिर्फ एक नंबर है, आप दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर एंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी जगह जो है वहाँ पाला पड़ेगा। कई बार ऐसे मोमेंट होते हैं कि जहाँ हम ऐसे फंस जाते हैं, कुछ टाइम हमें फंसना भी रहना पड़ता है, तो लद्दाख इतना आसान नहीं होता है। तो
एज अगर आपकी 60-70 कुछ भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है 67 ईयर्स तक तो मैंने खुद मेरे साथ भी राइड किया है सर ने, तो कोई इशू ही नहीं है। तो आप एज को तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन वहाँ दोस्तों होता क्या है कि एक बार तो पता चलता है कि 50-55-60 साल के जो लोग होते हैं बड़ा स्मूथली पैच निकाल लेते हैं, लेकिन जो 30-35 साल के होते हैं वो अटक जाते हैं। तो कभी भी अपनी हेल्थ को लेके एज के हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जितनी आपकी सांसें रेगुलर आती रहेंगी उतना आप लद्दाख को एंजॉय कर सकते हैं बस। और अगर आप लद्दाख चल रहे हैं मेरे साथ का, तो मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि आप ब्रीज वॉकिंग शुरू कर दीजिए जैसे ही आप अपना बुकिंग अमाउंट राइस राइड के लिए अंदर डालते हैं। तो जैसे ही आपकी राइड बुक होती है बस आप अपना जो सिंपल सा लॉजिक है चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, अगर दौड़ना नहीं लेकिन थोड़ा ब्रीज वॉकिंग थोड़ा तेज तेज चलना शुरू कर दीजिए। आपको कोई पुशअप पुलअप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चलते रहना है। मेरा एसी चल रहा है लेकिन ना मुझे पसीना आ रहा है, आई एम सो सॉरी। मुंबई में अगर आपको जैकेट्स वगैरह के मज़े लेने हैं तो आप बस ले सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं। लेकिन अगला अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि मैं 26 तारीख को 26 जनवरी को रहने वाला हूँ दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली के अंदर मैं हूँगा 26 जनवरी को। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी गणतंत्र दिवस, जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, उसकी परेड में हूँ, नहीं। तो मैं 26 जनवरी की परेड में नहीं हूँ। मैं आपको शायद जिनको भी याद है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मतलब जो मुझको शुरू से जानते हैं, तो मैंने 26 जनवरी 2017 को हिमालयन बाइक से, जिसका नाम मेरे हिमो नाम था उस बाइक का, उससे मैं मुंबई से आसाम के लिए निकला था। लेकिन इस बार 26 जनवरी को मैं दिल्ली से एक राइड चालू कर रहा हूँ, और क्या चालू कर रहा हूँ, कैसे चालू कर रहा हूँ, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ के अंदर धीरे धीरे अपडेट देता चला जाऊँगा। मेरे कुछ राइड पहले से जो मैंने बोले हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लगा जैसे मैं बाइसिकल राइड करने वाला था, वो मेरा हुआ नहीं था। तो अभी ये वाला जो राइड मैं कर रहा हूँ ये मैं आपको दिल्ली पहुँच के अपडेट करता हूँ, और होपफुली मैं आपको इस बार अपने इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है फकीरा राइडर्स, उस पर अच्छे से अपडेट्स दे पाऊँगा, अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखा पाऊँगा, जिस तरीके से मैं ऑलरेडी आपको दिखाता आया हूँ। और फकीरा चैनल, जो हमारा फकीरा राइडर हमारा चैनल है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर ऑथेंसिटी आपको पूरी मिलेगी, कोई दिखावा, कोई तामझाम, कोई मिलावट नहीं मिलेगी। नेचर और नेचर से जुड़ी हुई बातें, और जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा दिल दिमाग कम दिल ज़्यादा, वही सब कंटेंट आपको देखने को मिलने वाला है इस राइड के अंदर, जो अभी मैं करूँगा, जो मेरा खुद का राइड होगा। इसके अंदर आप जिस भी सिटी से हैं तो मैं आपको आगे से आगे मैप दे दूँगा, बताता जाऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ पहुँच रहा हूँ, तो हम लोग पर्सनली मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट ठीक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फकीरा राइडर्स। Keep riding with life. Be simple. Be natural.